दिल्ली दिल नेले पाकिस्तान झील भारतीय हृदय नहीं पाकिस्तान फेरबे आयशा रसन कहले भारतीय मत पुनर्जन्म मुणी आसबि भारत सरी हार्ट ट्रांसप्लांट पाकिस्तान झील को मिल जाइए दिल्ली दिल भारत और पाकिस्तान मध्यरे एने हृदय संपर्क जोड़ी हो जाइए तेरे हार्ट ट्रांसप्लांट होता युवती जनक आयशा रसन चेन्नईर एमजीएम हेल्थ केयर ट्रांसप्लांट होता बेले से वर्तमान सुस्थ अच्छा से पाकिस्तान फेर को प्रस्तुत होती तेरे ऑपरेशन परे से वर्तमान सुस्थ अच्छा से माँ सह चलाबुला कर पाकिस्तान जीवा पूर्व डाक्टर को भेटी आयशा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा लेकिन कोशिश करते हैं तो सब कुछ हो जाता है और बहुत ज्यादा फखर महसूस होता है हर चीज के बारे में सुनकर। आप अपना कहानी बताइए कि कैसे क्या हुआ था और कब से इधर इंडिया अप्रोच मिला आपको? स्टार्टिंग आयशा 7 ईयर्स की थी जब इनको ये पल्पिटेशन इनका बहुत ज्यादा बढ़ जाता था तो वहां पर हमने पाकिस्तान में चेकअप करवाया तो वहां पता चला कि उसको कार्डियोमायोपैथी है और एक डायलेटेड है हाथ। अब वहां पर हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, डॉक्टर ने बोला कि आप हार्ट ट्रांसप्लांट ही होगा इसका, मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इंडिया आप पे करवाएं आप आगे। फिर हमने काफी सर्च किया तो चेन्नई का हमें पता चला कि डॉक्टर बाला यहां पर होते हैं और उनका काफी अच्छा है तो हमने इनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की हॉस्पिटल से जब फोर्टिस में होते थे, फोर्टिस मलार से हम लोग यहां पर हम लोग आए और जब हम लोग बस यहां लैंडिंग हुए थे और आयशा को कुछ दिनों के बाद कार्डियक अरेस्ट हुआ था सीवियर जिसकी वजह से बस आप टोटली डेड समझे तो डॉक्टर बालन और इनकी टीम ने मिलकर इनको काफी हद तक संभाला और उसके बाद उसको एलवेड लगाया। काफी अच्छा रिकवरी हुई थी। हम वापस पाकिस्तान चले गए थे और एज यूजुअल मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं वापस फिर आयशा के यहाँ ट्रांसप्लांट के लिए आई, यहां पर आके ट्रांसप्लांट हुआ और अभी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। कराची में रहुतबा 19 वर्षीय युवती अस्वस्थ कारण हार्ट रे समस्या देखा दैथिला तेबे एने परिवार लोके अनेक डाक्टर को सहित परामर्श करबा परे ताकु हार्ट ट्रांसप्लांट करबा को कहा जैथिला जहां पाकिस्तान रे हेलानी ताहा भारत रे सफल हेला। भारत रे मागणा रे तांकर हार्ट ट्रांसप्लांट करा जैछि जहां फरे से एक नुवा जीवन पाइछंती आ नुवा जीवन पाइबा परे निज देश को फेरी जाउछंती आयशा। तेबे ता पूर्वरो से कहछंती से पुणी थरे भारत आसिबे। अच्छा लगता है और सही लगता है, बिल्कुल फ्री हूँ। अब आपको कैसे लग रहा है कि वापस जाना है कि कैसा लग रहा है, वापस आओगे आप इंडिया? आप जी आएंगे इंशाल्लाह। इंडिया गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच। इसके बाद आप कुछ वापस चेकअप के लिए आएंगे तो मतलब वापस इधर आएंगे या उधर पाकिस्तान में करेंगे? कोशिश करेंगे आने की। और डॉक्टर्स को क्या बोलना चाहते हैं आप? डॉक्टर्स को थैंक यू कि मेरा ट्रांसप्लांट कर दिया। आपकी इच्छा क्या है, लाइफ में क्या बनने का इच्छा है? फैशन डिजाइनर। तबे आयशा को कथा कहले से फैशन डिजाइनर पाठ पढ़ु ट्रांसप्लांट करने ट्रांसप्लांट परे मु पूर्व अपेक्षा भल अनुभव करुछि। ट्रस्ट एवं डाक्टर का सहयोग बिना अस्त्रोपचार संभव नुहे बोली तांको परिवार कहिछन्ति। हार्ट ट्रांसप्लांट करबा पई अति कम रे 35 लाख टंका खर्च होइथाय। आयशा रासन का क्षेत्र रे अस्त्रोपचार संपूर्ण बिल डाक्टर एवं ट्रस्ट प्रदान करथिला। इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एवं फुसफुस ट्रांसप्लांट निर्देशक डाक्टर के आर बालाकृष्ण कहिछंती आयशा जने लकी पर्सन, अल्प समय मध्यरे ता हार्ट रो व्यवस्था करा जैथिला, एथिपई हार्ट को दिल्ली रु चेन्नई को आना जैथिला। तबे आयशा मो पई झियो परि अटे, प्रत्येक जीवन आम पई गुरुत्वपूर्ण बोली डाक्टर कहिछंती। So her heart failure worsened and she required repeated hospitalization. And in that country, managing patients with artificial heart pumps is not easy because the equipment required to monitor and all that was not there. And they had no money. So she, half the time she was not conscious, she had bad infection of the pump. So we had to do something to help. With great difficulty, she got a visa. She came here, she had absolutely no money. She's a single mother. So we had to take care of all the expenses. So Aishwarya Trust came forward very generously to help and I could contribute whatever I could from my own finances.
And a few of the patients we treated were very generous, so they paid for, and eventually we got a donor heart from Delhi, which nobody else wanted. So she was lucky, and she underwent a transplant a couple of months ago. She's from Pakistan, and they didn't have any resources. When they contacted, Dr. Bala was actually generous enough to ask them to come here, because they didn't have any money. So he is the one actually raised the money. He is being associated with Aishwarya Trust, which has funded a lot of heart transplants. At the same time, the money allotted was not good enough. So in fact, we asked some of the patients for whom we have done transplants. They were generous enough to donate some money. And then again, he has donated from his own fund. So luckily, she was very lucky. Bureau Report, Pratidin TV.